नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं विवाह के अंतर्गत जो मंडप होता है, मंडप गढ़वाने की या मंडप का पूजन करवाने की प्रक्रिया पर। साथ ही आपको बताएंगे कि कलश स्थापन कैसे करवाई जाती है, कलश का पूजन कैसे करवाया जाता है। देखिए, विवाह में कलश का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हैं कि एक प्रधान कलश होता है जो मिट्टी का होता है, उसको लोग बाग मतलब द्वार पूजन में भी पूजन करते हैं, कई जगह पर उसका पूजन होता है। ठीक है, तो कैसे करवाना है इसी को आपको बताएं। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। विवाह का जो मंडप है वह कैसे करवाया जाता है, उसका पूजन कैसे करवाया जाता है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं। दरअसल होता क्या है ना, जैसे आप कहीं शहर में, कस्बा में या महानगर में पूजन करवा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग ज़्यादातर गेस्ट हाउस से, पहले से होटल से विवाह करते हैं। तो वो लोग घर में ये प्रक्रिया, मंडप इत्यादि की प्रक्रिया घर में करने के बाद इसको उठा करके ले जाते हैं और फिर होटल में इसी का पूजन करते हैं, वहीं पर विवाह करते हैं। ठीक, होटल में तो मंडप अलग से डेकोरेशन वाला रहता है, वहाँ पर गांव जैसे वो मंडप नहीं रहता है कि लोग पत्तल इत्यादि से, कास कुसा से बनाए, ऐसा नहीं रहता है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, शहर वाले एक पात्र में सारे देवताओं का पूजन आवाहन करके उसी में रख करके उसको ले जाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, मिट्टी को स्पर्श करके मिट्टी में गड्ढा, मतलब जमीन में गड्ढा खोद करके और वहीं पे बढ़िया ढेर अच्छे से मंडप बनाते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ें अपने से समझ लेना है, उसके बाद उसके अनुसार पूजन करवाना है। ठीक है, चलिए अब आपको PDF से बताता हूँ कि खंभा या मंडप कैसे गाढ़ा जाता है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो PDF मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या क्या है। इसमें आप विवाह में तिलक करवा सकते हैं, तिलक के विषय में इसमें पूरी जानकारी दी गई, एक एक मंत्र सहित। ठीक है, यहाँ पर गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि का पूजन भी दिया है, विधिवत, ठीक है, कलश स्थापन इत्यादि सारे मंत्र वगैरह भी दिए हैं, उनको यहाँ पर पूरी क्रिया दी है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद तिलक में जो विशेष क्रियाएं होती हैं, जैसे पान इत्यादि बदलना, ठीक है, ब्राह्मण वरण, वर पूजन इत्यादि के मंत्र इसमें दिया है। तिलक सामग्री का जो विशेष संकल्प होता है, ये देखिए, उसे भी यहाँ पर दिया है। ये तिलक के बाद फिर जैसे लग्न हो गया, लड़की पक्ष से लिखी जाती है, मठमंगरा हो गया, ये सब के बाद फिर आप यहाँ पर मंडप पूजन करवाएंगे। मंडप पूजन के बाद कलश पूजन करवाएंगे, ये कलश पूजन का विधान दिया है। कलश पूजन के बाद फिर आप क्या करवाएंगे, तेल चढ़ाने की विधि दिया है। इसके बाद सिलमान इत्यादि इसमें सब कुछ दिया है, कोहबर इत्यादि का पूजन है, ये सारा कुछ इसमें दिया है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको ₹21 खर्च करना पड़ेगा। कैसे खर्च करेंगे, तो ये जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पर, ये नंबर 7024637143, इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप लिख कर भेजिए मंडप पूजन विधि, या आप तिलक PDF, तिलक विधि, तिलक पूजन विधि कुछ भी लिख करके भेज दीजिए। आपको उधर से एक स्कैनर भेजाएगा, उसमें आप 21 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो उधर से आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, चलिए आपको सिखाता हूँ कैसे मंडप पूजन कराया जाता है या कैसे आप मंडप गढ़वाते हैं। ठीक है, इसको बताता हूँ। चलिए, इस PDF में आप द्वार पूजन से पहले की जितनी प्रक्रिया होती है वो सारा कुछ इसमें सीख सकते हैं। ठीक, चलिए हम आ गए हैं ये मंडप या खंभा पर। ठीक, सर्वप्रथम क्या करते हैं, जिसका शादी होता है, लड़की या लड़का जिसका शादी होता है, उसके पिताजी या दादाजी इस क्रिया को करते हैं। कौन करता है, पिताजी या दादाजी, घर के बुजुर्ग लोग इस क्रिया को करते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम दादाजी जा करके एक जगह पर, जहाँ पर जैसे गाँव में अगर आप करते हैं तो गाँव में आंगन होती है, आंगन में एक जगह पर दादाजी जा करके पूरब की तरफ मुँह करके इसे बैठ जाते हैं। ठीक, शहर में आप करवाते हैं तो जैसी व्यवस्था बने, छत पर या आंगन में, जहाँ भी वहाँ करते हैं। देखिए, गांव में क्या है, गांव में बीच में लोग मंडप बनाते हैं और चारों तरफ ऐसे खंभा गाड़ करके उसके ऊपर बढ़िया छावनी इत्यादि बनाते हैं, कैश बनाते हैं, पत्तल इत्यादि ऊपर रख करके बढ़िया सुंदर सा मंडप बनाते हैं। ठीक, और शहर में क्या है, शहर में लोग गेस्ट हाउस से शादी करते हैं तो उनके लिए एक समस्या होती है, वो लोग टीन में रखते हैं, टीना में अपना बढ़िया उसको सजा वजा के अच्छे चमकीलीदार पन्नी उन्नी लगा करके
और उसी में सारे देवी देवताओं की स्थापना करके उसी टीना को ले जाते हैं, गेस्ट हाउस में रख करके उसमें विवाह करते हैं। ठीक, तो गांव में इस प्रकार से होगा और शहर में इस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम क्या करना है, लड़की या लड़का के दादाजी पिताजी जो भी क्रिया करने वाले हैं वो आएँ और पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएँ। बैठ करके फिर जब बैठ जाएँ तो पंडित जी उनके ऊपर जल छिड़कें, जल छिड़क करके आचमन कराएँ। उनको पूजन शुरू करने से पहले जो क्रिया होती है जैसे कि शिखा बंधन, तिलक, पवित्री, ग्रंथि बंधन, ये सारा कुछ कर दें। ठीक, ये नहीं जानते हैं कि पूजन शुरू करने से पहले क्या क्या किया जाता है तो आप इस वीडियो को देखें। आप YouTube पर सर्च करके एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप बोलिए पूजन कैसे प्रारंभ करें गोपाल पंडित जी, एक वीडियो आएगा ये वाला, इसको आप पूरा देख लीजिए। ठीक, तो आपको कोई भी पूजन कैसे शुरू किया जाता है ये पता हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, फिर स्वस्ति वाचन जैसे हो गया, क्या स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन है, मंगल मंत्र है, मंगल मंत्र है, मंगल नाम है जैसे श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः इत्यादि, इन सब को आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद फिर करिए संकल्प, ये देखिए संकल्प, कुछ अक्षत जल और द्रव्य इत्यादि लेकर के हाथ में संकल्प करेंगे। संकल्प में जैसे पीछे बताया गया है कि आप बड़ा संकल्प इस प्रकार से बोल सकते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमद्य ब्रह्म द्वितीय पराधे श्री श्वेतवारा कल्पे इत्यादि बोल करके मेन जो संकल्प यहाँ शुरू करना है, हे यहाँ से अमुक नाम नाहम, जहाँ से नाम गोत्र उच्चारण किया जाए वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक, शुभ पुण्य समय शुभ पुण्य तिथौ, अब जो जातक विवाह कर रहा है मतलब अपने लड़के का, उसका नाम लेंगे। मान लीजिए उसका नाम अखिलेश, ठीक, तो बोलेंगे अखिलेश नाम नाहम, पत्नी सहित बैठ कर पूजन कर रहा है तो सपत्नी को हम। ठीक, उसके बाद उसके गोत्र का नाम लेंगे, फिर जिसका विवाह हो रहा है मान लीजिए उसके पुत्र का विवाह हो रहा है तो सपुत्रस्य, पुत्र का नाम भी ले सकते हैं। उसकी लड़की का विवाह हो रहा है स्वकन्यायाः नाम ले लीजिए। करिष्यमाण विवाहांग भूत स्तंभारोपणम तत्र पूर्वे, अर्थात मंडप गाड़ने से पहले निर्विघ्नता सिद्धार्थम भगवान गणपति गौरी इत्यादि पूजनम अहम करिष्य, इतना बोल करके और संकल्प का अक्षत पुष्प इत्यादि सामने पृथ्वी में छोड़ देंगे। इसके बाद गौरी गौरी गणेश का विधिवत पूजन करेंगे, पंचोपचार षोडशोपचार जिस उपचार से आपको बन रहा है आप पूजन करिए। इसी पीडीएफ में पीछे आप देखेंगे तो आपको गौरी गणेश पूजन का जो क्रम लिखा है उस क्रम से आप पूजन करवा सकते हैं। ठीक, फिर क्या करना है, फिर आपको गौरी गणेश पूजन प्रार्थना इत्यादि करवाने के बाद जहाँ पर मतलब कि मंडप गाड़ना है उसका बीच वाला स्थान जो है, बीच में जहाँ मंडप गाड़ना है या जो टीना है शहर में यदि आप पूजा करवा रहे हैं तो एक पात्र दिया जाता है जिसको उठा करके बाद में वो ले जाते हैं गेस्ट हाउस में रख के पूजन करते हैं। ठीक, तो क्या करना है आपको, जहाँ खंभा गाड़ना है जहाँ मंडप गाड़ना है उस स्थान की भूमि को स्पर्श करें, पृथ्वी को स्पर्श करें, स्पर्श करते हुए इस मंत्र को बोलें। मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुनिए, हरि ओम माँ भूरषि भूमि ऋषियादिति राश विश्वाधाया विश्वसिया भूवानशिया धर्त्रे पृथ्वीं दच्छा पृथ्वीं दरगुंह पृथ्वीं माहिगुंशी। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलेंगे और नीचे ये लौकिक मंत्र भी लिखा है, इसे भी आप बोल सकते हैं, ये सरल मंत्र है। ठीक, इसके बाद उस भूमि की पूजा करें, वहाँ पर जहाँ आपने हाथ स्पर्श किया था वहाँ पूजा करें। खंभा गाड़ने के लिए फिर गड्ढा खोदें, गड्ढा खोदने का ये मंत्र दिया है। ठीक है, इस मंत्र को आप बोल करके पूरा और गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद क्या करें भैया, तो गड्ढा खोदने के बाद गड्ढे के अंदर थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, एक सुपारी डालें, एक हल्दी डालें। ठीक, खड़ी हल्दी खड़ी सुपारी डाल करके एक द्रव्य यानी पैसा छोड़ दें। प्रार्थना करें हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और ये प्रार्थना मंत्र जो लिखा है ये वाला, ओम सर्वबीज समायुक्ते सर्वरत्न औषधीभृते रुचिरे नंदने नंदे वाशिष्ठे रम्यतामिहा। इस श्लोक को पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ें। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद प्रार्थना करके अक्षत पुष्प छोड़ देंगे गड्ढे के बाहर
गड्ढे के बाहर पुष्प छोड़ेंगे, अक्षत अंदर भी छोड़ सकते हैं। फिर गेरू रंग से रंगा हुआ हरीश एक हरा बांस दोनों सामने रख कर उसकी प्रार्थना करें। बहुत से लोग तो हरीश ही नहीं जानते कि हरीश क्या होता है। हरीश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हरीश वो होता है, आपने सुना होगा, हर में जो बैल जो होते थे उससे पहले क्या होता, खेत जोता जाता था। जो भगवान कृष्ण के भाई बलराम थे उनका जो शस्त्र था उसे हल कहते हैं, ठीक उसी हल को यहाँ हरीश कहा जाता है। क्या हरीश? हल का जो नीचे वाला भाग रहता था उसको छोड़ करके जो एक लंबा सा भाग होता है उसी हरीश कहते हैं। आजकल मार्केट में ये हरीश जो है रेडीमेड मिलता है, उसी को ला करके लोग रखते हैं। तो बांस और हरीश रख करके उसकी प्रार्थना करें। ये यहाँ पर प्रार्थना मंत्र लिखा है, हम सब बोलने लगेंगे, प्रार्थना मंत्र लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद फिर उस खंभे पर जल चढ़ावें और ऐपन का 5 छापा व सिंदूर लगावें। अर्थात जो हरीश आपने ऐसे रख दिया है, हरीश और बांस की एक लकड़ी रख दी है, उस पर 5 जगह ऐपन लगाएं। अब ऐपन क्या होता है? ऐपन वो होता है जो चावल को फुला करके उसको माताएं पीस लेती हैं, उसमें हल्दी लगाती हैं और हाथ की उंगली से आपने देखा होगा निशान बनाती हैं, वही होता है ऐपन, ठीक। तो इसमें 5 जगह पर ऐसे 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 लगवा दें, ठीक। इसी प्रकार से बांस में भी 5 ऐपन लगाएं और 5 लोग मिल करके इसे उठा करके उस गड्ढे में जो गड्ढा खोदा हुआ है उसमें रखते हैं और गड्ढे में रखते हुए इस मंत्र को बोलते हैं। इस प्रकार से 5 लोग मिल करके और उस खोदे हुए गड्ढे में इसको स्थापित करें और स्थापित करते हुए पंडित जी इस मंत्र को बोलें और मंडप स्थापित करवाने के बाद, खम्भा गाड़ने के बाद फिर से उसके ऊपर जल अक्षत इत्यादि छोड़ करके और इस मंत्र को बोल करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के साथ साथ हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि मंडप में लगवा देंगे। इसके बाद पुरोहित इत्यादि के दक्षिणा निक्षावर इत्यादि दे देंगे, नाव को निक्षावर और पुरोहित को दक्षिणा इत्यादि दे देंगे। देखिए, घर की कोई सुमंगली स्त्री गाड़ने वाले 5 व्यक्तियों की पीठ पर छापा लगावें, घर के लोग मिल करके मंडप बनावें और सरपत इत्यादि छावें। देखिए, गाँव में होता है तो सरपत इत्यादि छा करके मंडप में बढ़िया नीचे छाह की व्यवस्था करते हैं, नीचे छाह बनी रहे। जब शहर में होता है तो बस वही बीच वाली व्यवस्था होती है, उसके अलावा मंडप वगैरह बनाते ही नहीं, ठीक। अब आप लोग पूछेंगे कि ये छापा क्या है? छापा वही जो माताएं पीस करके हाथ से लगाती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर करते हैं कलश स्थापन, ठीक। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मंडप मान लीजिए आज मंडप गढ़ने का डेट है और इसके बाद कल आपका सिलमायन इत्यादि होगा, तो आज आप मंडप पूजन करवा के अपना दक्षिणा इत्यादि लेकर चले जाइए, फिर आकर के आप कलश स्थापना इत्यादि करवाइए। अगर आज ही मंडप होना है, आज ही सिलमायन, आज ही कलश इत्यादि होना है, तो सब कुछ क्रिया करवाने के बाद दक्षिणा लीजिए, ठीक है। कलश स्थापना कैसे करवाएंगे? तो कलश स्थापना करवाने के लिए सर्वप्रथम आपके पास एक कलश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलश मिट्टी का ऐसा एक कलश हो, और कलश जो है बढ़िया से अच्छे से रंगा चंगा होना चाहिए, थोड़ा सा सजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कलश जो होता है प्रधान कलश होता है विवाह का। फिर कलश की कैसी पूजा करनी चाहिए? तो भैया, कलश के ऊपर जो है एक बढ़िया सुंदर सी दीपक घी क्षमा जाते हैं तेल की जलाई जाती है, सरसों के तेल या तिल के तेल की, ठीक है। और कलश की पूजन होने के बाद यह जो दीपक होती है, ये दीपक निरंतर जब तक विवाह संपन्न न हो जाए तब तक जलना चाहिए, ठीक। इस विशेष बात को ध्यान दीजिएगा। कैसे पूजन करेंगे? तो इसके लिए भैया, पहले जब संकल्प बोला गया था उसी समय या तो साथ में संकल्प बोल लें कलश पूजन का, या फिर अलग से यहाँ पर संकल्प बोल लें। ये देखिए संकल्प दिया है, ठीक। इसके बाद जो पूजन की विधि है वो वही विधि है जो ऊपर दिया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलश स्थापन की विधि, गौरी गणेश कलश स्थापन की विधि। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? जो कलश है, कलश के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाते हैं, ये देखिए, कलश को सर्वप्रथम स्पर्श करें और इस मंत्र को बोलें, हरि ओम मा ओम आज घरा कलशम महिजात्वा विशंतविंदवः पुनरुर्जा निवृत्त श्वशानाः सहस्रं दुःखवोरुधारा
अश्वते पुनर्मा विषतादरैहि श्री कलश वरुणाय नमः। कलश को स्पर्श करें और फिर कलश के अंदर जो है आप जल छोड़ेंगे। गंगा जल है तो गंगा जल छोड़ सकते हैं, पहले गंगा जल और गंगा जल के बाद फिर जल से कलश को पूरा फुल कर दें, एकदम भर दें। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा कलश में कुसा छोड़ देंगे, कुसा छोड़ने के ये मंत्र दिया है। फिर रोली छोड़ेंगे, रोली छोड़ने के बाद सर्व औषधि छोड़ेंगे, सर्व औषधि न हो तो अक्षत उसकी जगह छोड़ देंगे। दूर्वा छोड़ेंगे, आम्रपल्लव, सप्त मृत्तिका, सुपारी, एक छोटा सा सूत्र लपेट देंगे, पैसा डाल देंगे, उसके बाद फिर जवा से भरा हुआ पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देंगे और ये मंत्र बोलेंगे, हरि ओम मां पूर्णा दर्भि पारा पाता सो पूर्णा पुनरा पाता वशने विक्रीड़ा वाहायिका मूर्ज शतक्रतो हो। इसके बाद कलश के ऊपर दीपक रख करके कलश को स्थापित कर देंगे और कलश में अक्षत पुष्प लेकर के ये मंत्र पढ़ करके सभी देवताओं को आवाहन करेंगे। ये मंत्र बोलेंगे, तत्वाजामि ब्रह्मणा। ठीक, और इसके अलावा ये मंत्र भी यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, बोल करके सभी का आवाहन करें और फिर कलश का प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से आपकी कलश स्थापना की क्रिया हो गई। कलश स्थापना करने के बाद फिर मंत्री पूजन इत्यादि करते हैं, सिलमान जिसको बोलते हैं ना, ये खंभा हो गया, कलश का हो गया। फिर तेल चढ़ाने की क्रिया, ये तेल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाने के बाद फिर मंडप सिलमान इत्यादि करते हैं। वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये जो शिल्प होना इत्यादि सारी क्रिया बहुत सरल है, बस करने की बात है। मंत्री पूजा, मंत्री पूजन के बाद फिर क्या आता है, पितृ देवता इत्यादि निमंत्रण, जो सिलमायन में क्रिया की जाती है, पितरों का और देवताओं का निमंत्रण, ये बहुत मुख्य क्रिया होती है विवाह की। ठीक, इन सभी क्रियाओं को करना चाहिए। चलिए फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।